रेल समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति सर्वेक्षण को सही ठहराया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी सचिन बिश्नोई को बाकू अजरबैजान से भारत प्रत्यर्पित किया गया। अमेरिका ने मालदीव में इस्लामिक स्टेट और अलकायदा आतंकवादी समूह को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए 20 व्यक्तियों और 29 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। और क्रिकेट में भारत आज शाम त्रिनिदाद में श्रृंखला के निर्णायक तीसरे एक दिवसीय मैच में वेस्ट इंडीज के साथ खेलेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज पुणे में आयोजित समारोह में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता लोकमान्य तिलक के नाम से जुड़े पुरस्कार को पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास भी दिलाता हूं कि उनकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। इस अवार्ड के साथ जो धनराशि मुझे दी गई है वो भी गंगा जी को समर्पित कर रहा हूं। मैंने पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना के लिए दान देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी थी। श्री मोदी ने कहा कि लोकमान्य तिलक में वो क्षमता थी कि उन्होंने वीर सावरकर जैसे युवा और प्रतिभाशाली स्वतंत्रता सेनानियों की पहचान की। लोकमान्य में युवाओं की प्रतिभा पहचानने की जो दिव्य दृष्टि थी, इसका एक उदाहरण हमें वीर सावरकर से जुड़े घटनाक्रम में मिलता है। उस समय सावरकर जी युवा थे, तिलक जी ने उनकी क्षमता को पहचाना। वो चाहते थे कि सावरकर बाहर जाकर अच्छी पढ़ाई करें और वापस आकर आजादी के लिए काम करें। ऐसे कितने ही युवाओं को तिलक जी ने तैयार किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने दगड़ू शेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के साथ अपने पुणे दौरे का शुभारंभ किया। बाद में श्री मोदी ने मेट्रो ट्रेनों को रवाना किया। इसके साथ ही पुणे मेट्रो चरण एक के दो कॉरिडोरों पर सेवाएं शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री ने पिनपरी चिंचवाड़ा नगर निगम के अंतर्गत कचरे से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। सबके लिए आवास के मिशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए श्री मोदी पीसीएमसी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए 1,280 से अधिक मकानों का लोकार्पण भी करेंगे। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी है। इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, जनता दल यूनाइटेड और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। ये सांसद मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग दोहराई। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल शांत न होने पर सदन की बैठक को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों द्वारा रखे गए स्थगन नोटिस का हवाला दिया। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, वामपंथी और अन्य दलों ने मणिपुर मुद्दे पर नियम 267 के अंतर्गत तत्काल बहस कराने की मांग की। सभापति ने कहा कि वे नियम 176 के अंतर्गत अल्पावधि बहस की अनुमति पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने सदस्यों से नारेबाजी बंद करने का अनुरोध किया, लेकिन शोरगुल जारी रहने पर सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।
गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। ये विधेयक सेवाओं से संबंधित केंद्र के अध्यादेश का स्थान लेगा और दिल्ली के प्रशासन में उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां प्रदान करेगा। इस वर्ष 19 मई को राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया था। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक देश के संघीय ढांचे के दायरे में है। श्री जोशी संसद भवन के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है, वही हम करते हैं और दुनिया के जहां फेडरल स्ट्रक्चर है वह सभी देशों में जो नेशनल कैपिटल का है उसका एक अलग स्थिति रहता है। होम मिनिस्टर ने एक अच्छी तरीके से ये बिल बनाया है और भारत सरकार जो चुने हुए हैं वो भी लोकतांत्रिक तरीके से ही चुने हुए हैं। लेट देम अंडरस्टैंड दैट एंटायर कंट्री हैज सपोर्टेड श्री नरेंद्र मोदी एंड भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर मुद्दे पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि अधिकांश विपक्षी सांसदों ने व्यक्तिगत रूप से चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन कुछ विपक्षी नेताओं को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सदन में हम चर्चा करने के लिए जब तैयार है, जब सदन चल रहा है, बाहर जाके ऐसे स्टेटमेंट तो जो बोलना है सदन में बोलने दो, उस विषय पर जो उत्तर देना है, रिसर्चा करना है, वो सब के लिए सरकार तैयार है। ये बार बार हम उन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप ये संवेदनशील मामला है, इसमें पॉलिटिक्स करना बंद करना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार द्वारा की जा रही जातिगत जनगणना को सही ठहराया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की पीठ ने जाति आधारित जनगणना को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर आज फैसला सुनाया। जनगणना दो चरणों में की जानी थी। पहले चरण के अंतर्गत जनवरी में राज्य सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू की थी। जनगणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल को शुरू हुआ, जिसमें लोगों की जाति और सामाजिक आर्थिक स्थितियों से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पूरी प्रक्रिया इस साल मई तक पूरी करने की योजना थी, लेकिन 4 मई को उच्च न्यायालय ने इस जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दी थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल केंद्र शासित प्रदेश के विकास परिदृश्यों पर एक गोलमेज चर्चा को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा को साझा किया। उन्होंने कहा कि 4 साल से भी कम समय में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का परिवर्तन अभूतपूर्व रहा है। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए शांतिपूर्ण और अनुकूल वातावरण स्थापित करने की दिशा में सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला। कोशिश ये हो रही है कि एक भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर कैसे बन सके। जम्मू कश्मीर का आम नागरिक और समाज सभी तरह के बंधनों से मुक्त होकर के कैसे स्वच्छंद वातावरण में अपनी मर्जी से जी सके और उन्हें हर प्रकार के अवसर प्रदान किए जा सके। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत गांधीनगर में आज से 2 दिन का G20 महिला एम्पावर सम्मेलन शुरू हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने G20 एम्पावर डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत छोटी और मध्यम क्षेत्र की संस्थाओं को पहली बार G20 सशक्तिकरण क्षेत्र में जगह मिली है। उन्होंने भारत की अध्यक्षता में नई पहलों जैसे डिजिटल समावेशन मंच, मेंटरशिप और सर्वोत्तम अभ्यास प्लेबुक, व्यापक विज्ञप्ति जैसे कई प्रमुख परिणामों के लिए बधाई दी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन को अजरबैजान के बाकू से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया है। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त HGS धालीवाल ने ये जानकारी दी। कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई का संबंधी सचिन बिश्नोई मई 2022 में मूसेवाला की हत्या के बाद से फरार था। उसने फेसबुक पर मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। भारत में प्रत्यर्पण से बचने के लिए वो अजरबैजान में कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। पंजाब के फाजिलका के रहने वाले सचिन को
अजरबैजान में पिछले वर्ष अगस्त में हिरासत में लिया गया था। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी विक्रमजीत सिंह को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित करके भारत लाने में सफल रही थी। केंद्रीय अंतर मंत्रालय दल के अधिकारी तेलंगाना में हाल में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के कारण हुए नुकसान के आकलन के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। दल का नेतृत्व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ठाणे जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान आज एक गर्डर मशीन गिरने से 17 श्रमिकों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना में मृतकों के प्रति दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए और प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये मशीन एक विशेष प्रयोजन वाली मोबाइल गैंट्री क्रेन है, जिसका उपयोग पुल निर्माण में किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 2 टीमें बचाव कार्यों में तैनात की गई हैं। एक रिपोर्ट। अधिकारियों के मुताबिक ये दुर्घटना देर रात करीब 1:30 बजे घटी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतक मजदूरों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मालदीव में ISIS और अलकायदा आतंकी गुटों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के आरोप में 20 व्यक्तियों और 29 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि इन लोगों का उद्देश्य मालदीव के भीतर आतंकी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता पर रोक लगाना है। पाकिस्तान के बजौर आत्मघाती विस्फोट की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस घटना में 23 बच्चों सहित 54 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले बजौर में रविवार को चुनावी रैली में हुए बम विस्फोट में 200 लोग घायल हो गए थे। इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती हमलावर ने खार शहर में भीड़ के बीच स्वयं को विस्फोट से उड़ा लिया। इस गुट के नए सहयोगी गिरोह अमाक ने एक बयान में ये जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार आतंकी गुट ISIS इस आत्मघाती हमले के लिए जिम्मेदार है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज त्रिनिदाद में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों देश वनडे के बाद इस महीने की 3 तारीख को 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेलेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा की ओर रवाना कर दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर अब चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है।